सच्चाई साबित करने के लिए जोरदार लड़ती हो। कभी कभी औरत के पास सिर्फ सच्चाई होती है। तो फिर ऐसी औरतों को सिर्फ औरतों वाले काम करने चाहिए, मर्दों के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, समझ गई? एक तलवार ना ही औरत होती है ना ही आदमी, तो इसलिए लड़ो मेरे साथ और लड़कर मर जाओ मेरे हाथों। आओ एक मर्द की तरह लड़ो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती मैं। क्या इसमें कोई जादू है? लड़ाई के तो ये नियम नहीं है। जादू नहीं, जंग की सिर्फ एक चाल है, और तुम्हारी मौत। तो फिर संभलो। तुम लड़के की तरह ही लड़ती हो। हाँ मैं एक लड़की हूँ। तुम लड़की की तरह लड़ती हो, लेकिन अपने दिल से लड़ती हो, दिमाग से नहीं। तारक मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वैसे मैं एक लड़की ही हूँ। नहीं एरियाना, तुम एक राजकुमारी हो, और इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। एक बात बता दूँ, तुम एक दिन रानी बनोगी। पर क्या रानी बनने का मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दूँ तारक? कभी कभी रानी बनना मतलब एक बहुत बड़ी कुर्बानी देना। और तुम एक मास्टर हो तारक, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, ना कि एक राजकुमारी की बकबक सुननी चाहिए। तो अब क्या कहोगे? नहीं, ज्यादातर एक चालाक औरत की तरह कभी कभी एक रानी में ये गुण होने चाहिए। काफी देर हो गई है, मुझे पिताजी की फिक्र हो रही है। अपना गुस्सा अपने दुश्मनों के लिए बचा कर रखो, अपने दोस्तों पर जाया मत करो, ठीक है? तुम अच्छी लड़की हो ना? और सब ठीक है ना? अरे ये क्या कर रहे हो? कैसे हो तुम? हमें तुम्हारी 20 और बेहतरीन तलवारें चाहिए। मेरा बटुआ किसी ने चुरा लिया। उस लड़के को रोको। चोर चोर, रोको उसे। वहीं रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरा बटुआ चुराया लड़के? मैंने कोई बटुआ नहीं चुराया, और मैं लड़का नहीं हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो, मुझे लगता है तुम अंधे हो।
इसलिए कैसे देखोगे कि किसने तुम्हारा बटुआ चुराया? पर मुझे पता है किसने चुराया। बताओ किसने, इससे पहले कि मैं तुम्हें चोरी करने और झूठ बोलने के लिए कोड़े मारूं, मुझे बताओ। मेरा नाम साइलेंट डिक है, मैं एंटिक से हूँ, और ना तो मैं चोर हूँ और ना ही झूठी। आपका मुजरिम कोई और है। तुम ये दोष किस पर लगा रही हो? इस पर, तलाशी लो मेरी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसकी तलाशी ली तो आपको आपका बटुआ मिल जाएगा। इसे नहीं पता कि आप कौन है राजकुमारी, इसकी गुस्ताखी के लिए इसे माफ कर दीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये रहा तुम्हारा बटवा। क्या मेरी इस शरारत के लिए मुझे गिरफ्तार करवाओगे? पर ये तो चोर है, इसने मेरा बटवा जानबूझकर आपके पास रखा था। और मैं कहूंगी ये गलत है। पर इसने मुझे फंसाया है, इसे सजाए मौत होनी चाहिए। शायद ये कुछ ज्यादा हो गया, इसकी हड्डियां तोड़ दो, कुछ दिनों के लिए ड्रैगन की कालकोठरी में रखो, बस हो गया, फिर इसे जाने देना, शायद इससे तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। इतनी सजा इसके लिए काफी नहीं है। शायद नहीं, पर यही सजा मैंने इसे दी है। क्या ये तैयार है बालक? साम्राज्य पर शासन करने के लिए कोई तैयारी नहीं होती। क्या ये हिम्मत हार चुकी है? क्या वो मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता महाराज, और अगर वो नाकामयाब हुई तो इसकी वजह उसकी हिम्मत हारना नहीं होगी। आखिर वो एक राजा की बेटी है, उसमें आप जैसी ताकत है। इतना दुखी मत हो एरियाना, और तुम भी तारक, क्योंकि एक न एक दिन सबको जाना है, चाहे वो राजा हो या एक आम इंसान। ये बेकार की बातें हैं पिताजी, आपकी तबीयत जल्द ही अच्छी हो जाएगी। बेकार की बात नहीं है, मौत को मैं महसूस कर सकता हूं, एक एक पल में उसे अपने करीब आते हुए देखता हूं। तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सिखाना है, पर वक्त कितना कम है। मैं सुन रही हूं पिताजी। खबर यह है कि हमारे बाहरी राज्य हमारे साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखते। सब लोग बस एंडोरा की तलवार चाहते हैं, जो हमारी खानदानी तलवार है, जो दुनिया में सबसे बेशकीमती तलवार है। हम तूफानी समुद्र में एक छोटे टापू की तरह है, जहां एक खूनी लहर किसी भी वक्त हमें तहस नहस कर सकती है। इस लहर से आपका इशारा किस तरफ है महाराज? ज़ांटोस, वो डार्क किंग, डरियन का राजा, और उसकी वो आधी पागल बहन। वही जिसका नाम जुराया है, कहते हैं वो आधी चुड़ैल है और आधी पागल। एक वही नहीं जिसकी वजह से मैं फिक्रमंद हूं। ज़ांटोस को सिर्फ तलवार का लोभ नहीं है, बल्कि किसी और चीज का भी है। वो एंडोरा पर राज करना चाहता है, वैसे ही जैसे उसका पिता करना चाहता था। लोभ करना एक बात है, पर राज करना दूसरी, और मेरे जीते जी मैं उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। भावनाओं में बहने से कुछ नहीं होगा बेटी, पर कभी कभी वापस आने से अच्छा है आत्मसमर्पण कर दो, और मरने से अच्छा है जियो। हाँ।
कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? चलो मुझे जाने दो। चलो मेरे साथ। तो सारी तैयारियां हो चुकी है महाराज, बस सेना को आपके हुक्म का इंतजार है। हम हमला तब करेंगे जब मेरी बहन हमारी जीत का एक अच्छा शगुन निकाल कर हमें बताएगी। हमें मिलकर दुआ करनी होगी महाराज कि ये शगुन जल्द निकले, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अपनी जबान संभालो चरगो, कहीं ऐसा ना हो कि कल की सुबह तुम देख ही ना पाओ। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था राजकुमारी, हमें जल्द एंडोरा पर हमला करना चाहिए नहीं तो काफी देर हो जाएगी। अगर तारक को हमारे इरादों के बारे में खबर लगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तारक भी वहाँ के राजा की तरह निकम्मा है, हमें उससे कोई खतरा नहीं है। मुझे छोड़ दो। क्यों ऐसा कर रहे हो? आओ मेरे वफादार खबरी, आओ। जी आपका विश्वास पात्र सेवक महाराज साइटोस। तुमने एक जासूस रख लिया और मुझे बताया तक नहीं भैया। मैं तुम्हें अपना हर राज नहीं बताना चाहता जुराया, पर अगला जरूर बताऊंगा। बताओ क्या खबर लायो? सुना है कि राजा की मौत करीब है महाराज। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो हमारा इस वक्त हमला करना बिल्कुल सही रहेगा? जी हाँ, क्योंकि उन्हें कोई शक नहीं होगा महाराज। बहुत बढ़िया। तैशाना, अब मुझे मेरा इनाम तो दे दीजिए महाराज। तुमने अपने देश और राजा के साथ विश्वासघात किया है, किसे पता कि तुम फिर से ऐसा नहीं करोगे। हो सकता है मेरे साथ भी करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। हम सूरज छिपने से कुछ पहले ही किले को कब्जे में ले लेंगे। नहीं, नहीं। इसका सिर भाले पर लटका दो। नहीं। और सेलिनर के दरवाजे से पहले इसका सिर ही गुजरे। नहीं, नहीं, नहीं महाराज, नहीं, मुझे दया कर, नहीं मुझे बख्श दो। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं। कुछ देर के लिए रुक जाओ, उससे सोचने दो कि शायद उसकी किस्मत पलट गई है और वो बच गया है। चलाओ। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और एक महान शासक, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। वो मेरे पिता थे तारक, और अब वो नहीं रहे। काश मैं उन्हें वो सब कह पाती जो कहना चाहती थी। तुम्हारे पिता तुम्हें प्यार करते थे, जनता को प्यार करते थे। ये वक्त काफी दुख और संकट भरा है, खाली राजगद्दी खतरनाक है, इसलिए तुम्हारी ताजपोशी इसी वक्त होनी चाहिए, और उसके बाद तुम्हें कुछ बातें जानने की जरूरत है। इनकी मौत का मातम बाद में मना लेना। अच्छा,
तुम्हारे सामने महाराज और महारानी की राजगद्दी है। राजगद्दी एक शक्ति की और हालात की, इस पर किसका हक है? मेरा हक है प्रभु। किस हक से? मेरे जन्म और मेरे नाम से। जन्म और नाम काफी नहीं है। सच्चाई और सम्मान के हक से। सच्चाई और सम्मान भी काफी नहीं है। ऊपर वाले के हक से और सच्चाई और आजादी के हक से। इधर जाओ, ऊपर जाओ। मेरे खून के हक से। राजा और रानी के हक से। ताकत और हालात के हक से। एंडोरा की एरियाना, अपना ताज कबूल करो और अपनी राजगद्दी संभालो। महाराज अब नहीं रहे, महारानी की जय हो। मैं अब आपको पेश करता हूं फेलिशिया और सेलिनोरा की संतान एंडोरा की महारानी। महारानी की जय हो। राजकुमारी को छोड़कर सबको खत्म कर दो, वो मुझे जिंदा चाहिए। देखना वो तुम्हें बंदी ना बनाने पाए। तुम चाहते हो कि मैं अपने ही लोगों के सामने बुजदिल कहलाऊं? बेकार की मौत मरने से अच्छा है भागकर अपनी जान बचाना। बुजदिल बनकर जीने से तो अच्छा है बहादुरी से मरना। छोड़ दो मुझे। एरियाना, तुम इस राज्य का भक्त हो। फौरन मेरे साथ चलो, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। जगह है राजा की सुविधा के अनुसार हर दीवार के अंदर एक सुरंग बनाई जाती है। जरूरत पड़ने पर इन्हीं सुरंगों से कारागार में जाया जा सकता है। मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। आज के बाद तुम्हें बहुत सारी बातों के बारे में मुझे बताना है। आओ चले। मेरे पीछे पीछे आइए महारानी। तब तक नहीं जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते। सब कुछ बताने का वक्त अभी नहीं है, हमें जल्द से जल्द गुफा तक पहुंचना चाहिए। मैं तुम्हारी रानी हूं और सच जाना मेरा अधिकार है। ठीक है, अगर यही आपकी इच्छा है तो। ये वक्त संकट से भरा हुआ है महारानी, एक ऐसा वक्त जो जादू और पागलपन वाला है, जहां पुराना देवता अभी भी राज करता है
और नए देवता को आकर अपना स्थान ग्रहण करना है। एंडोरा हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है, पर ज़ेंटोस के कब्जा करते ही ऐसा नहीं रहेगा। आपको मदद चाहिए। और वो मुझे कहां मिलेगी? तब जब पत्थर और तलवार एक होंगे और हमारा सफर शुरू होगा। कौन सा सफर? ये सफर गुफा में शुरू होगा, जहां छुपा है एंडोरा की तलवार का राज। तलवार की एक बड़ी गुफा, आपके राज्य की ताकत और आत्मा। मुझे ये राज कहां मिलेगा? अगर किसी भी वजह से हम बिछड़ गए तो ये रास्ता खोजने में तुम्हारी मदद करेगा। पीछा करो पत्थरों का राज की आग तक, जहां तक इच्छा है मन को इसे पाने की। अंबर से शक्ति, धरती से आग, जिससे होगा जन्म आजादी का। इसका कोई मतलब नहीं है। वक्त आने पर पता चलेगा कि तुम्हारी संपत्ति है, इसे हिफाजत से रखना। अब हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए। गुफा में पहुंचते ही हम सुरक्षित हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बचने के लिए तुमने मौत देख कर दी तारिक, पकड़ लो उसे। चलो अंदर चलो। तुम अच्छा, तो तुम भी मेरी तरह अब एक मुजरिम बन गई हो। तो तुमने क्या जुर्म किया है? किसी बड़े आदमी का मर्डर किया है? तुम ऐसा कह सकती हो। कोई खास नामचीन था क्या? राजा ज़ेंटोस। ज़ेंटोस? यहाँ का राजा? रानी के साथ रहकर मजे कर रही हो? रानी? आरियाना, एंडोर की हाल ही में बनी रानी। महाराज गुजर चुके हैं, महारानी की जय। मेरी रानी? कभी नहीं। जवाब देने में इतनी जल्दी? अभी तो मैं तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखने वाला हूं। तुम एक राक्षस से शादी करो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अपने आप को बचाने के लिए। तुम्हारी बीवी से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जल्दबाजी, तुम अपना जवाब बदल दोगी अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि जब तक तुम मना करती रहोगी मैं तारक के छोटे छोटे टुकड़े करता रहूंगा और तुम उसकी गवाह होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फैसला मुझे करना है,
सुबह होते ही मैं तुमसे शादी करूंगा, नहीं तो बेचारा तारक अपनी बाई बां खो देगा। पहले शादी होगी और फिर शादी की सुहाग रात, और फिर हमारा वारिस हमारे दो राज्यों को एक बनाने वाला। ये काफी आसान है क्यों? शुक्र है कि ज़ैंटोस ने मुझे पहचाना नहीं। तुम इसे जानती हो? एक बार उसके दरबार में छोटी सी गड़बड़ की थी। छोटी सी गड़बड़ की थी? मैंने इसकी बहन का बटुआ चुराया था। तो मुझे डर है कि तुम्हारे हालात भी मेरे जैसे ही हैं। वो तुम्हें फांसी देगा और मुझसे शादी कर लेगा। पता नहीं किसके साथ क्या होने वाला है। तो फिर तुम क्या करोगी? मुझे बस एक सही मौके की तलाश है। सही मौका? उसे मारने का। देखो, मुझे फांसी देने से पहले कुछ करो तो अच्छा होगा। अगर ज़ुराया को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। क्या तुम वाकई में महाराज ज़ैंटोस को मारने की कोशिश करोगी? मैं किसी भी हाल में उसकी संतान को पैदा नहीं करूँगी। तो फिर इस काम के लिए तुम्हें मेरी शुभकामनाएं, और ऊपर वाला तुम्हारा साथ दे। अच्छा, मैं थोड़ा सोने की कोशिश करती हूँ। जल्दी करो, महाराज ज़ैंटोस इंतजार कर रहे हैं। महाराज ज़ैंटोस को अपने प्रस्ताव का जवाब चाहिए। उनसे जाकर कहो कि मैं तैयार हूं। ज़ैंटोस, क्या है? इतनी जल्दबाजी में उससे शादी नहीं कर सकते। और तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली कि मैं क्या करूं और क्या न करूं? मैं ड्यूरियन का राजा हूं, तुम नहीं हो। मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूं। मैं ड्यूरियन की लॉर्डशिप इस वजह से नहीं हूं क्योंकि मैं एक मर्द नहीं हूं। उसे किसी दूर दराज के कारागार में डालो और ताला लगा दो। पर जल्दबाजी में कोई गड़बड़ मत करना। मैं विनती करती हूँ तुमसे, उससे शादी मत करना। मुझे बस एक ही चीज प्यारी है बहन, वो है शक्ति। और वो शक्ति मुझे तभी मिलेगी जब मेरी बाहों में मेरी प्यारी रानी होगी और उसके पेट में मेरा बच्चा। लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं चाहेगी। पर मैं तो उसे चाहता हूं। उससे क्या होता है? उसके बाद बहुत देर हो चुकी होगी। पूरा राज्य मेरा होगा और एंडोरा के तलवार का राज भी, जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए काफी होगा, ना कि सिर्फ एक राज्य को। बताओ ज़ुराया, क्या तुम अपने भाई की किस्मत को बदल सकती हो? किस्मत कब कहां धोखा दे दे ये कोई नहीं कह सकता भैया। और कभी कभी किस्मत पलटने में जरा भी देर नहीं लगती, और कभी कभी तो एक ताकतवर इंसान को घुटनों पर झुका सकती है, या उससे भी बदतर। क्या ये कोई धमकी है? नहीं, ये कोई धमकी नहीं, सिर्फ एक भविष्यवाणी है। मैंने उसके निशान देखे हैं। ये औरत किसी के भी फायदे की नहीं है, ना ही तुम्हारे, ना ही मेरे, और ना ही तुम्हारे महत्वाकांक्षाओं के लिए।
खत्म कर दो उसे, आज रात ही, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक ही बात का पछतावा है और वो ये कि मैंने तुम्हें यहां रहने दिया। दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही हो। ये मेरी पसंद नहीं है। जल्द ही सेंटोस को अपना कर उसकी बीवी बन जाओ राजकुमारी। और पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई में, समझ गई। वैसे उसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं है। बहुत अच्छा होगा कि तुम उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी कर दो, उसको वारिस देकर। अपने भाई को ये कहते हुए सुना है और उसकी मांगे बहुत सादा हैं। ओह, शादी का समय हो गया है, अब तैयार होने में ज्यादा वक्त मत लगाना, जल्दी लेकर आओ इसे। तुम यहां से चली जाओ। तुम अपनी होने वाली ननद को इस रूम से बाहर जाने को कह रही हो? वैसे ये जगह मेरे लिए बेहतर है, तुम्हें नहीं लगता? अब जाओ। या इंसान, तुम सब एक जैसे ही हो। नींद नहीं आ रही तारक? मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करूंगा। बेशक तुम ये करोगे तारक, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो मैं एरियाना का गला काट दूंगा। शादी या फिर रानी का खूनी अंत। एरियाना कहां है? उसे यहां लेकर आओ फौरन। उसकी जरूरत नहीं है,
मेरे महाराज। हमारी शादी करवाओ। भरोसा रखो एरियाना, तुम मेरी सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तारक। शादी की रस्में शुरू करो। ईश्वर की कृपा से इस इंसान के साथ, जिसका नाम है ज़ैंटोस, दूरियान के लॉर्ड, और एरियाना, एंडोरा की नई महारानी, जो आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आप बताइए ज़ैंटोस, आप इस स्त्री को अपनी बीवी और अपनी रानी कबूल करते हैं? जी हाँ। एरियाना, क्या तुम इस आदमी को अपना पति और अपना राजा कबूल करती हो? मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, दासी ठाट पाट और मेरे भाई की खुशी खुशी बीवी बन जाओ और उससे जो चाहिए वो दे दो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। सवाल दोहराया जाए। एरियाना, क्या इस आदमी को, ज़ैंटोस, दूरियान के लॉर्ड को अपना पति और राजा कबूल करती हो? कबूल है। क्या कोई है जिसे इस रिश्ते से एतराज है? अगर नहीं तो मैं इन्हें शादी के रिश्ते में बांधता हूं। ठीक है, अगर किसी को एतराज नहीं है तो मैं। मुझे इस रिश्ते से एतराज है। एरियाना, खुद को बचाओ, अपने राज को बचाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं, बदला लेने के लिए जाओ, अपने लोगों को बचाने के लिए जाओ। जाओ अब। महारानी, इस तरफ जल्दी कीजिए, आइए जल्दी। खुद को बचाओ, अपने राज को बचाओ। यहाँ अपनी रानी के लिए खून बहाओ। मेरा खून जाया नहीं जाएगा। उनका पीछा करो।
चलो जल्दी करो, यहाँ वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। वो उस तरफ गए हैं। हमें हथियार चाहिए होंगे जो इस बक्से में हैं। उनका पीछा करो। चलो जल्दी करो। इस किले में ऐसे राज हैं जो शायद जुराया भी नहीं जान पाई होगी, और निकलने के कई रास्ते भी। जल्दी उनका पीछा करो। क्या वो मिली तुम्हें? अभी नहीं महाराज, हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, पर वो बचकर नहीं जाएगी। वाकई? एक अपने जेलर को चकमा देकर कारागार से भाग जाती है, हथियार ले लेती है और मेरी आंखों के सामने भाग गई, और दूसरी मेरी होने वाली बीवी मुझे बस मारने ही वाली थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बचकर नहीं भाग पाएगी? वो इसलिए क्योंकि बाहर जाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, और दोनों ही जगहों पर भारी पहरा है महाराज। मैं अपनी जान देकर भी उन्हें ढूंढूंगा। तो अपनी जान दो। रुको। तलाशी लो। और ये भिक्षु, उन्हें जाने दो। घंटों बीत चुके हैं। चुड़गो का कुछ पता चला? नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। काफी कुछ दांव पर लगा है। दरगो के सभी आदमी किले की चारों ओर भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो औरत इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो यहाँ का चप्पा चप्पा जानती है। गाड़ी चलाओ, जाओ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? लोमड़ी को पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ते ही चाहिए। कौन से शिकारी कुत्ते की बात कर रही हो? ताइशान, वो अजीब सी गुलाम, टर्गो की काफी खास है। बहुत बढ़िया। और तब तक टर्गो राजकुमारी की काल कोठरी में रह सकता है, जब तक वो मिल नहीं जाती। तुम्हें लगता है कि तुम रानी और उसकी छोटी दोस्त को ढूंढ पाओगे? जी महाराज, लगता तो है। बढ़िया, चलो देखते हैं कि टर्गो ने किस तरह के शिकारी कुत्ते तैयार किए हैं। तो वाकई तुम कुत्ते नहीं ले जाना चाहती हो? मुझे कुत्तों की जरूरत नहीं है महाराज। उन्हें ढूंढकर मेरे सामने पेश करो, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए महाराज, मुझे बस मेरी आजादी चाहिए। जब तुम रानी को वापस लाओगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। और वो दूसरी लड़की? आहिस्ता से उसे खत्म कर दो। Thank you.
अजीब है ना ये जिंदगी कैसे बदल जाती है। जो कल रानी थी आज कोई भी नहीं है। मेरे लिए कुछ अजीब नहीं है। कल मैं एक चोर थी और आज भी एक चोरी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं जेल में नहीं हूं। मैंने तुम्हें मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भी नहीं किया। तुम नहीं आती तो मैं सैंटोस की बीवी बन चुकी होती और आज की रात मेरी सुहाग रात होती। क्या हम वाकई में किसी मंजिल की ओर जा रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं? ये मैं भी नहीं जानती। वैसे मुझे अब पता चल गया है। तारक ने मुझे एक पहेली सुलझाने के लिए कहा था। जब पत्थर और तलवार एक होंगे तब हमारा सफर शुरू होगा। कौन सा पत्थर और कहाँ की तलवार? तारक ने एक गुफा के बारे में कुछ कहा था। वो एक पहेली भी थी। क्या बात है? वो नक्शा कहाँ गया? पत्थरों का पीछा करो राज्य की आग तक, जहां तक है इच्छा तुम्हारे दिल को इसे पाने की। अंबर से शक्ति, धरती से आग, जिससे होगा जन्म आजादी का, शायद यही तो था। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। पता नहीं। तुम पत्थर का पता कैसे लगाओगी? पीछा करो पत्थरों का राज की आग तक, एक पत्थर नहीं कई पत्थर। लेकिन इस राज्य वालों को इससे क्या लेना देना? मुझे बस इतना ही पता है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता इसी जंगल से जाता है, पर यहाँ तो सिवाय एक पगडंडी के और कुछ भी नहीं है। हर जगह हर बार एक मील का पत्थर दिखाई देता है और उन पर लिखाई रोमन है। यह तो रोमन लिखाई है, इन्हें कैसे बनाया होगा? बेशक ये एक मीनाकारी है। लेकिन किस पर? पत्थरों पर। और किस पर? पुराने मील के पत्थर हैं यहाँ। अब हमें ये पता लगाना है कि इस राज्य की आग क्या है। सल्फर। वो इसे तेल और तारकोल से मिलाते थे, फिर गुलेल से हमला करते थे। कौन हो तुम? मेरा नाम है टाइशान। मुझे आप दोनों को ढूंढने के लिए भेजा गया है। क्यों? आपको वापस सैंटोस ले जाने के लिए। ये नहीं हो सकता। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती महारानी। फिर तो मैं फायदे में हूं। मैंने आप जैसी योद्धा नहीं देखी।
जो इस तरह से लड़ती है। ताज पहनकर रानी बनना बहुत आसान है, पर योद्धा बनना बहुत मुश्किल। आप बस भी करो। मुझसे कहा गया है कि आपको नुकसान न पहुंचे महारानी जी, पर इसे मुझे मारने के आदेश है। रुक जाओ, उसे जाने दो, तुम मुझे ले जा सकती हो। आपकी ईमानदारी काबिले तारीफ है, पर काफी बेवकूफाना। ईमानदारी के बगैर कोई इज्जत नहीं है, पर तुम ये बात कहां समझ पाओगी, क्योंकि तुम तो ज़ैंथोस के लिए काम करती हो ना। उसकी बहन ने मुझसे मेरी आजादी लौटाने का वादा किया है। सब वादे झूठे हैं। आजादी ऐसी चीज नहीं कि कोई दे दे, बल्कि आजादी को जीतना पड़ता है। आजादी पाने के बारे में आपको क्या पता, मैं बचपन से ही एक गुलाम बनकर रही हूँ। वैसे तो मैं एक राजकुमारी हूँ, पर मैं भी एक गुलाम ही हूँ, थोड़ी अलग। एक राज्य के भविष्य के गुलाम पर कहलाती तो आखिर गुलाम ही हूँ ना। तो क्या आप मुझे आजादी दिलाएंगी? मैं तुम्हें कैसे दिला सकती हूँ? मेरा देश मेरे पास नहीं है, और मेरी प्रजा को तुम्हारे राजा का जुर्माना चुकाना है। तुम्हें दे सकती हूँ बस अपना सच्चा वचन। और मैं आपका यकीन क्यों करूं? क्योंकि मेरा वचन ही मेरा बंधन है, और मेरा बंधन मेरे ताज से भी बड़ा है। तुम्हें भरोसा करना होगा, क्योंकि मैं इनकी सच्चाई जानती हूं। मैंने कई अफवाहें सुनी है एंडोरा के बारे में और उसके राजा के बारे में भी। लगता है आप वाकई एक सच्चे उत्तराधिकारी हैं। तुमने मुझसे लड़ाई क्यों की? क्योंकि यही मेरा काम है। क्या कोई और वजह भी है? आपका दिल एक योद्धा का दिल है, ये मैंने देख लिया है और जान भी लिया है। तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मुझे मेरी आजादी चाहिए, और ये आप मुझे दिला सकती हैं। मुझे आपके राज्य में शरण चाहिए। मैं जरूर दे देती अगर मेरे पास ताकत होती, पर मेरे पास मेरा राज्य नहीं है। पर एक न एक दिन तो जरूर होगा, और तब तक उसे पाने के लिए मैं आपके लिए लड़ती रहूंगी। क्या यह कोई चाल है? कोई चाल नहीं है। फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, और तुम्हें तुम्हारी आजादी मिलेगी, और जो कोई भी इसे रोकने की कोशिश करेगा उसे मेरी तेज धार तलवार से टकराना होगा। एक रानी, एक गुलाम और एक चोर, क्या बढ़िया फौज है। तुम सल्फर के बारे में कुछ कह रही थी, क्या वो सच था? जी हाँ, लोग इसे सोना खोजने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारा लोहार इसे तलवार की धार तेज करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो हमें रास्ते पर सल्फर की खान भी खोजनी होगी, और उस गुफा को भी जो तुम बता रही थी, जो काफी फायदेमंद साबित होगी। इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं। सोच अच्छी है, आप सो जाइए, और हम दोनों में से एक पहरा देगा। पहले मैं पहरा दूंगी। जब तुम्हें नींद आए तो मुझे जगा देना। आप दोनों सो जाइए, मैं पहरा दूंगी। तुम मेरी छोटी रानी बनना चाहोगी? या तुम्हें मैं अपनी रानी बनाऊंगा? तुम मेरी रानी बनोगी?
नाचो मेरे लिए नाचो। आओ मेरी प्यारी बहन, जीत के जश्न में शामिल हो जाओ। कौन सी जीत जिसमें तुमने अपनी दुल्हन को खो दिया? एक योद्धा को अपनी निराशा को सहन करना आता है मेरी प्यारी बहन। एक योद्धा अपने लिए ऐसे दुल्हन नहीं चुनता जो उससे भी ज्यादा चालाक हो। तुम तो शादी करने के लायक ही नहीं हो, अकेले ही राज्य संभालो। मैं तुम्हारा राजा और शासक हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए मेरी बहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो नफरत में बदल जाए। मेरे प्यारे भैया, तुम्हें आगाह करना मेरा काम है, और मेरी सलाह यह है कि ताईशान तुम्हारी शिकारी गुलाम अब तक वापस नहीं आई, जिसका मतलब है कि या तो वो मर चुकी है या उसने तुम्हें धोखा दिया है। उससे फर्क क्या पड़ता है, वो सिर्फ एक गुलाम है। अतीत को भूल जाओ, भविष्य का स्वागत करो। तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारी गुलाम रानी के साथ है और इस चोरी को देखते हुए तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। पागलपन मत करो जेंटोस, अर्जियाना जब तक जिंदा है वो एक खतरा है, तुम्हारे गले पर एक छुरी की तरह या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। जब वो मिल जाएगी तो हमारे राज्य को हमारा एक वारिस मिल जाएगा। वारिस तो तुम्हें इनमें से भी किसी से मिल जाएगा। पीठ में खंजर भोंकने से बेहतर है हरामी की औलाद होना। मेरी पीठ में खंजर, ये तुम्हारे साथ हो सकता है बहना। अब दफा हो जाओ यहाँ से और मुझे जश्न मनाने दो। तुम्हें भी ये चाहिए, जाओ ले जाओ। आप रो क्यों रही हैं महारानी? मैं अपने लोगों के लिए रो रही हूँ जो इतने दुख झेल रहे हैं। मैं अपने राज्य के लिए रो रही हूँ जो मैं खो चुकी हूँ। जो खो चुका है वो वापस पाया जा सकता है महारानी, बस थोड़ा वक्त गुजरने दे और भरोसा रखें। ये भरोसा ही है जिसे खोने से मैं डरती रहती हूँ। अगर ये चला गया तो मैं कुछ भी नहीं हूं और फिर मेरा दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। नहीं, अपने भरोसे को मजबूत बनाइए जैसे मैंने बनाया है। इसे इतना मजबूत बनाइए कि यह आपको जीत तक पहुंचा दे। ताईशान जी, मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। मुझे भी खुशी है महारानी। एक बात कहूं, मुझे महारानी मत पुकारो, दोस्तों को कभी ऐसे नहीं पुकारा जाता। मेरा नाम एड्रियाना है। जैसी आपकी इच्छा।
बहना, तुम फिर आ गई। मैंने इरादा बदल दिया है भैया। तुम्हारी मेहमान नवाजी अपनाने का लालच बहुत बढ़िया था। पी लो भैया, मेरे प्यारे भैया, अच्छी नींद आएगी। अलविदा प्यारे भैया। मैंने तुम्हें राज करने के लिए दूसरा राज्य दे दिया। और वो राज्य है अनंत काल की नींद। बहना, ओ राजा मर चुका है। महारानी की जय हो। महारानी, इससे भी बदला जरूर लिया जाएगा। महाराज सेंटोस की बहन होने के नाते और यहाँ का उत्तराधिकारी होने के नाते अब मैं इस टूरियन राज्य की शासक हूँ और इंडोरा की भी। और अब तुम भी अपने महाराज के पास चले जाओ। मेरे सेनापति को संदेश भेजो कि अपने चुनिंदा आदमी और तेज दौड़ने वाले घोड़े लाए। हमें फौरन जाना होगा। अब मुझसे कोई भी नहीं बच पाएगा क्योंकि मेरी ताकत इतनी है कि मैं कई राज्यों पर शासन कर सकती हूँ जैसा कि मैं चाहती थी। फौरन दफना दो इसे। इतना सोना ठीक नहीं, उठ जाओ। ओह, मेरा पिछवाड़ा दर्द कर रहा है। पहले तुम्हारे पैर दुख रहे थे और अब तुम्हारा पिछवाड़ा। अब चलो। ताईशान सिपाही। भाग रही है।
एक बहादुर योद्धा शानदार मौत मरता है। ज़ांटोस की गुलामी से तो यही अच्छा है। मैं उनकी बहन के लिए लड़ रहा हूँ। महाराज ज़ांटोस तो मर चुके हैं। इनके हथियार छीन लो, हाथ बांधो, इस छुटकी को पहले बांधो और इसे फांसी पर लटका दो। ताईशान का बदला। ये मर रही है। काश मैं इसकी जगह होती। चलो यहां से। हमें एक मशाल चाहिए होगी। हमें जल्दी चलना होगा। हमें थोड़ा तेल चाहिए। सल्फर। Thank you.
जमीन के नीचे एक गुफा में आग चल रही है। मुझे लगता है यही सल्फर है। पीछे सिपाही पड़े हैं, आगे आग का दरिया है, अब हम क्या करें? हम पुल बनाएंगे। पर किससे? इससे। मेरी मदद करो। सही थी, मेरे सेनापति का तुमसे कोई मुकाबला नहीं। पर कैसे? एक पुरानी भविष्यवाणी है जो मैं जानती हूँ, जैसे बच्चों को डराने वाली एक कहानी है। एक चलता हुआ रथ जो सूरज से गिरा था, जो कि यहाँ पर दफन है, और उसमें इतनी ताकत है कि वो वक्त को भी बदल सकता है, जैसे एक नए धागे का फिरका चक्री से निकलता है। तलवार का राज? एंटोरा का राज। एक ऐसा राज जिस पर मुझे आज तक यकीन नहीं था। उस राज को आज मैं हासिल करूंगी। सिर्फ दो आदमियों की मदद से? मुझे लगता है मेरे काम को अंजाम देने के लिए यही दो काफी हैं। और वो क्या काम है? एक आसान सा सौदा, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी दोस्त की जिंदगी इस तलवार के लिए जो तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले जाती? क्या तुम पुरानी लिपि पढ़ सकती हो? थोड़ी बहुत। तो जो इस पत्थर पे लिखा है वो पढ़ो। हाँ बेशक पढ़ लूंगी। तुम अकेले ही सिर्फ इसे पढ़ सकती हो, क्योंकि तुम राजकुमारी हो एंटोरा की। और अगर मैं ना कहूं तो? ऐसा नहीं कह सकती तुम, इसके बिना तुम बेबस हो। तलवार उठाओ, नहीं तो मेरे सिपाही तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ना का मतलब है सिर्फ मौत। तो फिर मैं ये काम करूंगी। जो खो गया था वो मिल गया है, जो कभी टूट गया था अब
छूट गया है। टेम्पल्स हांजाम, टेम्पल्स फिटरीज, जो कि ये था और ये रहेगा, एक रानी और एक राज्य। आओ मेरे साथ। तुम इंतजार किसका कर रहे हो? पीछा करो उनका। कूदो। नहीं, हम जिंदा हैं। हाँ, पर जिंदा दफन हो जाएंगे। क्या तुम जिंदगी के बारे में हमेशा ही ऐसा सोचती हो? सिर्फ तभी जब खुद को एक ऐसे कुएं में पाया जहां ना आगे जा सकते थे और ना पीछे। हम रास्ता ढूंढ लेंगे। जुराया ने कुछ कहा था, जो खो गया था वो अब मिल गया है, जो कभी टूट गया था अब जुड़ चुका है। टेम्पस क्वांटम, टेम्पस फ्यूचरिस, जो हमेशा था और रहेगा, एक रानी और एक राज्य। इसका मतलब क्या है? अतीत का राज भविष्य में छिपा है और उसके बिना एंडोरा को आजादी नहीं मिल सकती। तालाब में देखो, देखो तुम्हारा क्या ख्याल है? आपका हुक्म सर आंखों पर महारानी जी। मैं कोई हुक्म नहीं दे रही, मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। वो तो आसानी से मिल जाएगी, मेरे पास देने के लिए यही तो है। तो अब क्या करें? मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ठीक कह रही हैं। Thank you.
ये जगह तो बहुत पवित्र लग रही है। आखिर ये कौन सी जगह है? देखिए देखिए ना, कितनी सुंदर है। ताईशम, पर ये कैसे हो सकता है? हमारे साथ हुआ क्या है? उस शैतान के सामने तलवार पानी में डूब गई, जिससे तलवार और पत्थर के देवता नाराज हो गए। लेकिन अब सुधार जरूर होगा। कैसे भी, मैं सुराया और उसके लोगों से अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। वो जो टूट गया था अब जुड़ गया है। टेम्पस क्वांटम, टेम्पस फ्यूटरिस, जैसा था वैसा ही रहेगा। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास इरादा है, अब राह को खोज लो। गलत को तुम सही करो, शैतान को अच्छाइयों से बदलो। इसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल सकता है। इसके बाद ही प्रजा को उनकी आजादी मिल सकेगी। किससे बातें कर रही थी? एक आत्मा से, जो हमें राह दिखाने में मदद करेगी। क्या इस आत्मा ने आपको बताया कि ये तलाश हमें कहां ले जाएगी और कितनी दूर है? अब चलो, ये तो वक्त ही बताएगा। चलो अपना सफर शुरू करें।